वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर सिक्स का एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर वन हमें गिवन है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। देन फाइंड आउट द एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। हमें जो भी फाइंड करना है हम पहले उसे मेंशन कर देते हैं, हमें फाइंड क्या करना है और हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। दूसरा हमें क्या दिया गया है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ, फाइंड आउट एंगल बी ओ ई, ये फाइंड करना है आपको। एंड सेकेंड आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको पहले फाइंड कर लेना है बी ओ ई। बी ओ ई फाइंड करने के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल है, दैट मीन्स ए ओ सी आपको फाइंड हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज दिस इज अपोजिट एंगल। ये 40 डिग्री फाइंड हो गया। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया गया, इस कंडीशन में हम AOC की वैल्यू रख देते हैं। क्या है कंडीशन गिवन आपको, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। मैं यहाँ पे AOC की वैल्यू रख दूँ तो AOC की वैल्यू है 40 डिग्री, सो BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल आपको फाइंड हो गया, आपको फाइंड करना था बी ओ ई, ये हमने फर्स्ट फाइंड कर लिया। अब सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, सेकेंड आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो पहले हम सी ओ ई फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये 40 दिया गया है, ये 40 फाइंड हो गया, या इसका यहाँ पे हम 40 ना लेकर हम दूसरा काम कर क्या सकते हैं कि यहाँ पे इन टोटल का एडिशन कितना होगा, 180 होगा, बिकॉज दिस इज द ऑन द स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एडिशन हमें दिया गया है 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं और ए ओ बी, ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। चलो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं कि ए ओ बी इज ए लाइन, ये लाइन है, दैट मीन्स इनका एडिशन 180 होगा। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180। अब इनका हम ए ओ सी और बी ओ ई का वैल्यू रख देते हैं, इन दोनों का एडिशन 70 डिग्री गिवन है, सो सी ओ ई इज इक्वल टू 180। सो सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज 110। ये हमने फाइंड किया है सी ओ ई, नॉट ए रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। आप रिफ्लेक्स एंगल का जब भी डेफिनेशन रीड करते हो तो आप बोलते हो कि रिफ्लेक्स एंगल आप उसे कहते हो जो 180 से ग्रेटर हो और 360 से कम हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये 180 से स्मॉलर है, तो इसको हम रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए 360 में से हम माइनस कर देंगे। चलो हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे क्या कि 360 में से एंगल सी ओ ई को माइनस कर दोगे, जिसका भी आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है उसे माइनस कर दिया जाता है 360 में से।
तो यहाँ पे अगर मैं फाइन करूँ 360 माइनस 110, तो आपको फाइन हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री, ये आपको फाइन हो गया सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो प्लीज़ जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड इफ एंगल, आपको गिवन क्या है, इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेकेंड क्या दिया गया आपको ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 देन फाइंड आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है एंगल सी, ये आपको फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेशियो की, तो जब भी आप रेशियो आपको दिया गया होता है तो आप क्या करते हो, कुछ उसमें कांस्टेंट टेक कर लेते हो। तो यहाँ पे भी हम कुछ कांस्टेंट टेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये टोटल आपका कितना होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ये, राइट, क्योंकि इनका एडिशन क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, टोटल आपका होता है 180, तो ये दोनों कितना होगा 90 डिग्री होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एक्स ओ वाई इज ए लाइन, सो ए प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रख देते हैं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 को माइनस कर दिया हमने, सो x इज इक्वल टू 90/5, 2x प्लस 3x इज 5, सो x इज इक्वल टू 90 को डिवाइड कर दो 5 × 5, इसे कैंसिल करोगे 5 × 5 और 5 8 जा, तो ये फाइन हो गया आपको x इज इक्वल टू 18। ये आपने फाइन किया है सिर्फ x, यहाँ पे a अभी नहीं फाइन किया है, हमें फाइन क्या करना है, हमें फाइन करना है c। c फाइन करने के लिए अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का एडिशन लूँ तो 180 होगा, तो अगर मैं सिर्फ b फाइन कर लेता हूँ तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा कि अगर इन दोनों का एडिशन करूँगा तो मुझे 180 फाइन हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम फाइन करते हैं अब MON इज ए लाइन, और लाइन हो तो जितने भी एंगल्स उस पर बन रहे सबका एडिशन 180 होता है, तो B और C बन रहा है, तो B प्लस C इज इक्वल टू 180। B का वैल्यू क्या है 3x है, और x की वैल्यू आपने 18 फाइंड किया है, तो 3 × 18 प्लस C इज इक्वल टू 180, तो ये आपको फाइन हो गया C इज इक्वल टू 180 − 18 × 3 = 54। तो इसे माइनस कर दो, C इज इक्वल टू 10 − 4 = 6 7 − 5 = 1, सो ये आपको फाइन हो जाएगा C इज इक्वल टू 126 डिग्री। चलो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है इन फिगर एंगल पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, पी क्यू आर गिवन है आपको, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू आर इक्वल, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये आपको प्रूफ करना है।
चलो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हम पहले गिवन लिख देते हैं क्योंकि प्रूव दैट में ये इसी तरह से आप सॉल्व करोगे कोई भी क्वेश्चन है। गिवन में आपको दिया गया है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे, टू प्रूफ में लिखोगे आप, आपको जो प्रूफ करना है तो प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कर देते हैं हम। तो अगर मैं अब यहां पे बात करूं इन दोनों एंगल्स की, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो ये दोनों एंगल्स है लीनियर पेयर, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू आर आर लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स आपको ये दिया गया है, राइट। सो इन दोनों का एडिशन पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, राइट। 180 आपको दिया गया है ये, तो 180 इसमें वैल्यू रख दो, इसको क्वेश्चन वन हम रख देते हैं। इसी तरह से अगर आप फाइंड करते हो इन दोनों एंगल्स में, इन दोनों एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं लीनियर पेयर। सो एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर टी, पी आर क्यू एंड पी आर टी आर लीनियर पेयर्स। सो इन दोनों का भी एडिशन 180 होगा, पी आर क्यू प्लस पी पी आर टी इज इक्वल टू 180। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप चेक करो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन इक्वल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन से आपको मिल जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, राइट। अब यहाँ पे आप गिवन में चेक करो, तो आप पी क्यू आर को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, पी आर क्यू। तो हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी फ्रॉम गिवन। ये हमने गिवन से लिया है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए और आपको मिल गया एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, गिवन हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन हम लिख देते पहले, गिवन और टू प्रूफ, जब भी प्रूफ दैट वाला आएगा ये दोनों हमें लिखना ही है। तो गिवन में क्या दिया गया हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें प्रूफ करना है ए ओ बी इज ए लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो हम प्रूफ करते हैं इसे, किस तरह से प्रूफ किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन सब का एडिशन, टोटल क्या होगा 360, राइट, बिकॉज दिस इज द कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360, बिकॉज दिस इज कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे हमें गिवन में से हम यहाँ पे किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं, तो w प्लस जेड की जगह पे हम लिख देते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360।
टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 360, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये आपको प्रूफ हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके एक साइड में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है, 180 है। दैट मीन्स ये लीनियर पेयर हो गए, और लीनियर पेयर है दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन हो गया। हेंस ए ओ बी इज ए लाइन, ये हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवेन है कि पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे इज ओ आर परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस एन अदर रे इज बिटवीन रे इज ओ पी एंड ओ आर, देन प्रूव दैट आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, तो अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो यहाँ पे हमें ये 90 डिग्री का गिवन है, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, राइट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ओ आर इज ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू पर ये परपेंडिकुलर टू है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड में 90 है, इस साइड में भी 90 है। तो इस साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल हो गया, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू 90, ये हो गया क्वेश्चन 1। इसी तरह से इस साइड में अगर मैं लूँ तो ये आपको फाइन हो जाएगा आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90, ये हो गया सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से आपको फाइंड हो गया पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू। अब यहाँ पे देखो, हमें पी ओ एस और आर ओ एस रखना है, दूसरा हमें क्या करना है, अब इसे हमें चेंज कर देना आर ओ एस फाइंड करने के लिए आर ओ क्यू का यूज हम करेंगे एस तक। ये टोटल है आपका क्यू ओ एस जो आपको लाना है, उसमें से अगर हमें पी ओ एस माइनस करते हैं तो हाफ करते हैं तब आर ओ एस फाइंड होता है। तो अगर इतने का हम फाइंड करते हैं और मुझे इस बेज पे मुझे ये फाइंड करना है, तो अगर मैं क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू आर ओ मिल जाएगा। तो आर ओ क्यू को मैं रिप्लेस करके वहाँ पे चेंज कर देता हूँ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख दूँ क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, आर ओ एस। अब इस आर ओ एस को इधर ले आते हैं और पी क्यू एस को उधर भेज देते हैं, तो ये 2 टाइम हो जाएगा आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब ये 2 को उधर भेज दो तो आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और यही आपको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, इन गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64, यहाँ पे हमें कोई फिगर नहीं दिया गया, तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं एक्स वाई जेड का। तो ये मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये आपको दिया गया 64। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जा रहा है पॉइंट पी तक,
अभी तक मैंने इसे प्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट ड्रॉ द फिगर गिवन इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ कर दिया हमने इतना। अब आपको क्या दिया गया, क्यू वाई क्यू इज ए बाई सेक्टर ऑफ वाई जेड वाई पी। तो मैं इस वाई को यहाँ पे लिख दूँ, इसका बाई सेक्टर हमें दिया गया है। बाई सेक्टर मतलब हो गया ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हो गया वाई क्यू। एंड अब हमें फाइन क्या करना है, तो फाइन जो करना है मैं यहाँ पे लिख दूँ, हमें फाइन क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। एक तो ये फाइन करना है आपको, दूसरा क्या फाइन करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइन करना है, ये दोनों आपको फाइन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज कर लो कि यहाँ पे ये एंगल को आपको तो दिया नहीं गया है, तो आप इसे x सपोज कर लो, लेट एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए हमने इसको x सपोज कर लिया। तो अगर ये x है, ये x है, और मैं यहाँ पे इन तीनों एंगल का एडिशन करूँ, तो ये 180 फाइन होगा। क्यों फाइन होगा, क्योंकि ये एक्स वाई पी इज ए लाइन, ये लाइन है, दैट मीन्स इन सब का एडिशन 180 होगा। सो एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। सो x इज इक्वल टू माइनस कर दो इसे, 10 माइनस 4 इज 6, 7 माइनस 6 इज 1 एंड 1, और डिवाइड बाय 2, 2 से इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा और 2 8 जा, आपको x फाइन हो गया 58 डिग्री। ये फाइन हो गया आपको x 58 डिग्री, तो ये भी 58 डिग्री। अब आपको आगे क्या फाइन करना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई क्यू फाइन करूँ, तो मुझे दो एंगल का एडिशन करना पड़ेगा, एक तो एक्स वाई जेड का, दूसरा जेड वाई क्यू का। तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो एक्स वाई जेड आपको दिया गया 64 और ये दिया गया आपको 58। तो आपको फाइंड हो गया एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन कर दो, 120 डिग्री, एक एंगल आपको फाइंड हो गया। सेकेंड आपको फाइंड करना है वाई क्यू पी का रिफ्लेक्स, वाई क्यू पी आपने फाइंड किया 58, तो रिफ्लेक्स फाइंड कर लेते हैं, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस क्यू वाई पी। सो 360 माइनस 58, सो 302 डिग्री। तो ये आपका फाइन हो गया सेकेंड क्वेश्चन। सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।